Hello world, my name is Vaseem. I'm a full stack web developer and welcome back to the logic building series with C language. इस वीडियो के अंदर हम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, जो प्रोग्राम हम बनाएंगे, उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी छह कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम को हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से, राइट अ सी प्रोग्राम टू रीड टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एंड डिस्प्ले अ सूटेबल मैसेज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर स्टेट बिलो। मतलब हमें क्या करना है, जैसे सर्दियां पड़ रही है ना, तो जाहिर सी बात है सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी नीचे चला जाता है। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू हमें रीड करनी है और हमें ये देखना है कि वो जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर मैसेज प्रिंट करना है स्क्रीन पर, ठीक है। तो कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। टेम्परेचर लेस देन जीरो मीन्स अगर टेम्परेचर की वैल्यू लेस देन जीरो है तो यहाँ पे हमें मैसेज प्रिंट करना है फ्रीजिंग वेदर, ठीक है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू जीरो से दस के बीच में है तो हमें मैसेज प्रिंट करना है वेरी कोल्ड वेदर। अगर टेम्परेचर की वैल्यू 10 से 20 के बीच में है देन मैसेज हमें प्रिंट करना है कोल्ड वेदर। अगर वैल्यू 20 से 30 के बीच में है तो हमें प्रिंट करना है नॉर्मल इन टेम्परेचर। अगर वैल्यू 30 से 40 के बीच में है तो हमें प्रिंट करना है इट्स हॉट। और अगर वैल्यू टेम्परेचर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है तो हमें प्रिंट करना इट्स वेरी हॉट, मीन्स गर्मियों के दिन, राइट। तो आई बिलीव प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे सामने बहुत क्लियर है। सिर्फ एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को हमें अलग अलग फिगर से चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर मैसेज प्रिंट करना है, ठीक है। इसको अगर हम एक फ्लो चार्ट से समझना चाहें तो सिंपली सा फ्लो चार्ट क्या बनेगा, कीबोर्ड से हम एक वैल्यू इनपुट लेंगे, जैसे हमारे सामने कि हमने इस केस में 42 इनपुट लिया। तो 42 का मतलब ये कि जो हमारी लास्ट वाली कंडीशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 वाली वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, बिकॉज हमारे सामने वैल्यू क्या है 42 और यहाँ पे लास्ट कंडीशन है अगर वैल्यू 40 से ज़्यादा होती है तो हमें प्रिंट क्या करना है वेरी हॉट, राइट। अब इसको हम कोड में किस तरीके से करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, वेरिएबल जाहिर सी बात है हमें एक ही वेरिएबल की यहाँ पे ज़रूरत है, जो कि हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल टीएमपी, ठीक है, टेम्परेचर फॉर टीएमपी। अब इसके अंदर हम एक वैल्यू इनपुट करवा लेते हैं, व्हेन एंटर टेम्परेचर वैल्यू, ओके। और इसको हम कर लेते हैं स्कैनएफ, ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू तो आ जाएगी इतने से। अब यहीं से हमारा सारा का सारा जो कंडीशंस है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कंडीशंस के लिए अगेन मैं यूज़ करूँगा इफ ब्लॉक। और यहाँ पे देखो जो कंडीशंस है ना, बहुत सिंपल कंडीशंस है। जब भी हमें नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना होता है तो हम हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर्स की तरफ ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन क्या लगानी है, टी एम पी इज लेस देन जीरो। जीरो मैंने क्यों लगाया, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे सामने कंडीशन है वो यही है कि अगर जीरो से लेस देन है तो हमें क्या प्रिंट कर देना, फ्रीजिंग वेदर, राइट। तो अगर ये ट्रू हो जाता है तो इसके अंदर आके हम सिंपल सा मैसेज क्या प्रिंट कर देंगे, मैं चलो कर्ली ब्रेसेस भी हटा देता हूँ बिकॉज हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज प्रिंट करना है, राइट। प्रिंट एफ और यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रीजिंग वेदर, मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रीजिंग वेदर। और इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम स्लैश एन से, स्लैश एन, ताकि न्यू लाइन के अंदर आ जाए, ठीक है। अगर वैल्यू जीरो से छोटी हुई तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में जाएंगे तो दूसरी कंडीशन के लिए अगेन मैं क्या यूज़ करूँगा, एल्स इफ। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है मीन्स वैल्यू जीरो से ज़्यादा है, तो जीरो से ज़्यादा कितनी हो सकती है, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, बट हमें पहली कंडीशन क्या चेक करनी है, सॉरी दूसरी, अगर वो वैल्यू जीरो से दस के बीच में है, राइट। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं एक रिलेशन बिल्ड करूँगा टी एम पी ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज ऊपर वाली तो फॉल्स है इसीलिए मैं ग्रेटर देन चेक करूँगा। और मैं क्या चेक करता हूँ, एक लॉजिकल और लगाता हूँ और मैं लिखता हूँ टी एम पी लेस देन 10। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पहले तो जीरो से चेक किया और उसके बाद लेस देन चेक किया 10 से, तो एक तरीके से वो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 to 9, ठीक है। उस केस में मुझे क्या प्रिंट करना है, वेरी कोल्ड वेदर, राइट। मैं अगेन इसके अंदर आऊँगा, इफ एल्स इफ के अंदर आके मैं क्या लिख दूंगा, प्रिंट एफ और सिंपल स्लैश एन और वेरी कोल्ड वेदर, दैट्स इट। अब इसके बाद मैं फिर से एक एल्स इफ लिखूंगा, एल्स इफ, बिकॉज अगर वो वैल्यू 11 से 20 के बीच में हुई तो कुछ भी हो सकती है, 20 से छोड़ो, 11 मतलब 10 से ज़्यादा हो सकती है, राइट। 10 से हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। तो हमें उस केस में तीसरी कंडीशन लेनी पड़ेगी। तो तीसरी कंडीशन के लिए हमें सेम यही लॉजिक लगाना है जो मैंने यहाँ लिखा है, तो मैं इसको इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और बस वैल्यूज चेंज कर दूंगा। अब इस टाइम वैल्यूज क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 और इस केस यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 20, बिकॉज तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, अगर वो वैल्यू 10 से 20 के बीच में है तो हमें क्या प्रिंट करना है, कोल्ड वेदर, राइट। तो यहाँ से मैं सिंपली वेरी हटा देता हूँ, तो हो गया ये कोल्ड वेदर, ठीक है।
अब अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम जाएंगे चौथी कंडीशन की तरफ, तो हम चेक करेंगे 20 से 30 के बीच में। तो अगेन मैं यही कंडीशन को कॉपी करके पेस्ट करूंगा और इसको मैं सिंपली क्या कर दूंगा 20, और आगे वाली रिलेशन को बिल्ड कर दूंगा 30, वैल्यू रख दूंगा 30। और इस केस में हमें क्या करना है, नॉर्मल इन टेम्परेचर, सिंपल यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉर्मल इन टेम्परेचर, स्लैश एन फिर से चला गया नॉर्मल इन टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद अगेन एक और कंडीशन, क्योंकि वैल्यू तो अगेन 30 से ज़्यादा भी हो सकती है, इस बार वैल्यू है 30, कंडीशन हमारी लगेगी 30 से 40 के बीच की, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 30, और जो सेकंड वाला रिलेशन आएगा वो होगा 40 से कंपेरिजन। उस केस में हम क्या प्रिंट करेंगे, इट्स हॉट, ओके। तो यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ अगेन, और यहाँ मैंने लिख दिया इट्स हॉट। अब जो हमारी लास्ट कंडीशन है वो है टेम्परेचर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 40। तो लास्ट जब बात आ जाती है तो उस केस में हमें कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम सीधा किसके थ्रू प्रिंट कर सकते हैं, एल्स के थ्रू, बिकॉज हमें पता है कि अगर ये एल्स स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब ऊपर वाला एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा। अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो इसका मतलब वही है ना कि वैल्यू जो है वो 40 से भी ज़्यादा है, राइट। तो मैं लिख देता हूँ इट्स वेरी हॉट, दैट्स इट। ये इतना सा लॉजिक है इसका, बस ये 6 कंडीशंस। अब इसको मैं लास्ट में क्या कर दूंगा, रिटर्न 0, दैट्स इट। अब इसको हम करते हैं, इसको इस प्रोग्राम को अब करते हैं हम, सबसे पहले तो एग्जीक्यूट gcc 3.c देन a.out। सबसे पहले हमें टेम्परेचर की वैल्यू मांग रहा है, तो मैंने रखा फॉर एग्जांपल 45, तो यहाँ पे आ गया वेरी कोल्ड वेदर, कहाँ पे हमारा ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, वेरी कोल्ड वेदर। आई बिलीव हमारी वैल्यू सही है, नो, हमने कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम यहाँ पे रखी है, वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हमारी वैल्यू थी 45, हमारे सामने मैसेज आया वेरी कोल्ड वेदर। अच्छा, वेरी कोल्ड वेदर क्यों आया वो समझिए, वेरी कोल्ड वेदर इस वजह से आया बिकॉज देखो एल्स इफ में आप क्या समझ रहे हो, एल्स इफ में जो हमने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है TMP इज ग्रेटर देन 0, तो 45 जो है वो ग्रेटर देन तो 0 होता ही है, बट लेस देन नहीं होता, ये भी सही है, बट ये एक स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, और इसके नीचे हमने क्या, सॉरी बीच में हमने क्या लगा रखा है, और ऑपरेटर लगा रखा है। तो और ऑपरेटर क्या करता है, दोनों में से एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गया तो उसको वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहाँ पे हमें और ऑपरेटर ना लगा के सभी जगह लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, राइट, बिकॉज हमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू करवाने हैं, करेक्ट। अब हमने इसको कर दिया चेंज, लॉजिकल और को हमने रिप्लेस कर दिया लॉजिकल और, सॉरी लॉजिकल और को रिप्लेस कर दिया हमने लॉजिकल एंड से, और अब इसको हम कर रहे हैं एग्जीक्यूट। अब इसमें अगर हम वैल्यू रखें 45, तो यहाँ पे आया इट्स वेरी हॉट, लास्ट वाला स्टेटमेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट में भी मुझे स्लैशन एक बार और लगा देता हूँ, मैं प्रिंट एफ कर देता हूँ स्लैशन, ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े, प्रिंट एफ स्लैश एन, ताकि जो हमारा आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। अगेन इसको हम रन करते हैं, सबसे पहले एग्जीक्यूट और उसके बाद a.out, इस बार वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ -4, तो फ्रीजिंग वेदर जो हमारी जीरो वाली कंडीशन है वो ट्रू हो चुकी है। इसके बाद अगेन मैं इसको रन करता हूँ, इस बार मैं वैल्यू रखता हूँ 3, तो वेरी कोल्ड वेदर जो कि हमारी ये वाली कंडीशन चल रही है 0 से 3 के बीच की। अगेन मैं इसको रन करता हूँ, इस बार मैंने रखा फॉर एग्जाम्पल 11, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन ये वाली एग्जीक्यूट हो रही है कोल्ड वेदर वाली, राइट। इस प्रोग्राम को देखो, अब आपको एक तो करना है ट्राई किससे, नेस्टेड इफ से, बट यहाँ पे मैं थोड़ा और लॉजिक चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी क्या किया, एंड ऑपरेटर लगाया और दो कंडीशंस, दो रिलेशन बिल्ड किए कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 10। इसको मैं ये भी कर सकता था, कर सकता हूँ बेसिकली, कि लेस देन डायरेक्ट चेक कर लिया मैंने 10 से, ठीक है, और इस लास्ट वाले को मैं किससे चेक करूँ 20 से, और इसको मैं चेक करूँ 30 से, और इसके बाद चेक करूं मैं जो हमारी अगली कंडीशन है उसको करूं 40 से। अब इससे आप क्या समझ रहे हो, अगर हमारी वैल्यू सबसे पहले तो 0 से चेक होगी, इसका मतलब फ्रीजिंग वेदर। अगर जो दूसरी वैल्यू है, जो भी हमारी वैल्यू है, वो फॉर एग्जांपल 10 से कम है बट 0 से ज़्यादा होगी, अगर देखो 0 से कम होती तो जाहिर सी बात है वो इसी के अंदर आएगा। 0 से ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, 1, 2, 3 कुछ भी, 1 to 9 तक अगर वैल्यू जाएगी तो वो हमेशा इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, ठीक है। अगर वो वैल्यू 10 से 19 के बीच में होगी तो वो हमेशा इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, ठीक है। इसको हम करते हैं रन, सबसे पहले मुझे, मैंने प्रोग्राम में चेंज किया तो मुझे करना पड़ेगा इसको एग्जीक्यूट, मैंने एग्जीक्यूट किया, उसके बाद ए डॉट आउट। अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 6, तो -6 इज ऑलवेज लेस देन 0, तो ये हमारे सामने मैसेज क्या आ गया, फ्रीजिंग वेदर। अब वैल्यू मैं रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5, तो वेरी कोल्ड वेदर, ये वाली कंडीशन आ गई।
अगेन मैं इसको रन करता हूँ, इस बार मैंने वैल्यू रखी फॉर एग्जाम्पल 10, तो वैल्यू क्या आई, कोल्ड वेदर, ये वाली कंडीशन ट्रू हो चुकी है, राइट। ये वाली हमेशा मेक्स और फॉल्स होगी बिकॉज मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया, ठीक है। तो फिर अगेन मैं चेक करूंगा ए डॉट आउट करके, इस बार मैंने चेक किया फॉर एग्जाम्पल 24 के लिए, तो नॉर्मल इन टेम्प। उसके बाद मैं चेक करूंगा इसको फॉर एग्जाम्पल 35 के लिए, तो इट्स हॉट, हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। और इस बार मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 42, तो इट्स वेरी हॉट। तो इस तरीके से ये सारी कंडीशंस चल रही हैं। एक ही प्रॉब्लम को हमने दो अलग अलग तरीके से कर लिया, बस बेसिकली रिलेशन अलग अलग लगा के देख लिया, इफ के अंदर कंडीशंस अलग अलग बना के देख ली, राइट। तो इस तरीके का ये प्रोग्राम है। अब इसी प्रोग्राम को आप किससे ट्राई करो, नेस्टेड इफ एल्स से ट्राई करो या फिर स्विच केस से ट्राई करो, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग जितने ज़्यादा तरीकों से ट्राई करोगे उतनी ज़्यादा स्किल बिल्ड होगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर वो भी कर लेना, प्लेलिस्ट को अगर अभी तक बुकमार्क नहीं किया तो वो भी कर लो बिकॉज लेवल अब धीरे धीरे और अप होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझसे बातचीत करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे आ सकते हो, वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो या फिर DM भी कर सकते हो, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है लॉजिक बिल्डिंग सीरीज से रिलेटेड तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसको कोशिश करूँगा आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर कवर करूँ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।